ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। एक रहस्यमय गांव जहां न जाने कौन सा रहस्य छुपा था। एक शापित चुड़ैल जो न जाने हॉन्टेड ट्री पे कहां से आई थी। गांव की कुछ लड़कियों के राक्षस जैसे दांत क्यों थे। गांव में ऐसे कई सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। हरीश ने पार्वती माँ के सुझाव से सीमा को बचाया और उस चक्कर में एक मृत शरीर हॉन्टेड ट्री के नीचे रख दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चुड़ैल सालों से इसी चीज की राह देख रही थी। एक माध्यम, सालों से वो एक माध्यम की तलाश कर रही थी जिसके जरिए उसका शाप टूट सकता था और वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन सकती थी। लेकिन चुड़ैल आखिर चाहती क्या थी, ये तो बस एक रहस्य ही था। और जब उसे हरीश के जरिए वो माध्यम मिल गया तो वो उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। न जाने अब इस गांव पर कौन सा कहर खून बनकर बरसने वाला था। अब आगे, दरवाजे पर दस्तक होती है। सुहास सोया हुआ है, उसकी नींद खुलती है। सुहास परेशान होता है और सोचता है कि इतनी रात गए कौन आया है। कोई तो ऐसा है जो लगातार दरवाजा खटखटा रहा है। सुहास उठता है। सुहास डर के पूछता है, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है, कौन है, कौन है बाहर? वो वहां से उठता है और दरवाजे की तरफ चलने लगता है। अभी भी कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा है। सुहास सोचता है, आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। हिम्मत इकट्ठा करके वो दरवाजा खोलने लगता है। सामने दिखता है कि एक औरत पीठ दिखाए हुए खड़ी है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। सुहास फिर से उसे पूछता है, कौन हो तुम? इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रही हो?
औरत बोलती है, पहचाना नहीं मुझे। उसे देख के सुहास के होश उड़ जाते हैं, डर के मारे सुहास की बोलती बंद हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। चुड़ैल एकदम नजदीक आके अपनी गर्दन टेढ़ी करके सुहास से पूछती है, अब भी नहीं पहचाना? आंखें बोलने का बहुत शौक है ना। सुहास चिल्लाने लगता है, सामान बेचने के लिए गांव के बाहर गया हुआ था। उसे लौटने में बहुत देर हो गई। कि तभी एक आवाज आई, महेश, 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 क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? महेश चौंक जाता है और सोचता है, इतनी रात गए मुझे कौन पुकार रहा है? शायद किसी औरत की आवाज है। महेश की नीयत खराब होती है। महेश तुरंत पीछे मुड़ता है। क्या हुआ महेश, मुझे देख के तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? जो देखता है उस पे उसे विश्वास नहीं होता। वो चुड़ैल से पूछता है, क्या तुम वही चुड़ैल हो? Thank you.
जमींदार रात खाना खा के अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे। जमींदार जी को किसी की आवाज सुनाई देती है, जमींदार ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार किसी के होने का एहसास उन्हें होता है कि तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार जी, क्या हुआ जमींदार जी? जमींदार जी, कौन है? कौन है? कौन है वाह? यहां जमींदार डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता कि तभी चुड़ैल हाथ में बहुत सारा गुड़ लेके आती है, जबरदस्ती जमींदार के मुंह में ठूसती है। और इतना ठूसती है कि तभी जमींदार सहन नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। धीरज के घर से कुछ आवाजें आती हैं। धीरज की नींद खुलती है। वो सोचता है, इतनी रात गए जिया किससे बात कर रही है कि तभी आवाज आती है। पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ पापा। धीरज डर जाता है, अरे जिया तो अंदर सोई थी, क्या हुआ उसे? ऐसा सोच के धीरज जल्दी जल्दी अंदर जाता है। डर गए अपने बेटी की आवाज सुन के। क्या हुआ धीरज, मुझे पहचाना नहीं? चुड़ैल को देख के धीरज सुन पड़ जाता है। धीरज कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, तुम जिंदा नहीं हो सकते। कि तभी ये शोर सुन के जिया की आंखें खुलती हैं। वो जल्दी से बाहर आते हैं
तो चुड़ैल को देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि ये वही चुड़ैल है जो नारियल के पेड़ पे थी, लेकिन ये पापा के पीछे क्यों लगी है? यहां पापा बार बार चिल्लाते रहते हैं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, तुम जिंदा नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। जिया डर के चिल्लाती है। चुड़ैल उसे देख लेती है, उसके सामने आती है, गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरती है। जिया बेहोश होती है। धीरज बहुत डर जाता है और बार बार चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल आखिर धीरज का गला दबाकर उसे मार डालती है। अगले दिन जिया भाग के पार्वती दादी के घर जाती है। तो उसे पता चलता है कि गांव में और भी 3 खून हुए हैं। जिया रोने लगती है, तभी सीमा वहां आती है। दादी जिया से कहती है, बेटा ये वक्त रोने का नहीं, सोचने का है, ये चुड़ैल नारियल के पेड़ से नीचे कैसे आई और ये गांव के लोगों को क्यों मार रही है। तभी जिया ने कहा, हाँ दादी, मैंने कल रात वो चुड़ैल को देखा, वो नारियल के पेड़ की ही थी, उस चुड़ैल ने मुझे भी देखा लेकिन मुझे कुछ किया नहीं। सब दंग हो जाते हैं। तभी सीमा के पापा बोलते हैं, शायद ये चुड़ैल औरतों को नहीं मारती। तब सीमा बोलती है, पहले ये पता लगाना होगा कि चुड़ैल को किस कारण ये श्राप दिया गया होगा, इस गांव की लड़कियों के ही दांत क्यों ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, और हम लोग इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाए। सब सोच में पड़ते हैं कि तभी जिया को याद आता है और वह कहती है, दादी कल रात जब चुड़ैल हमारे घर आई थी तब पापा कुछ ऐसा बोल रहे थे। ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। तब दादी कहती है, जरूर इस सब के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर है, हमें पता करना होगा। कि तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और बार बार आती है। सब डर जाते हैं, सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं, ऐसा सबको लगता है। सीमा के पापा हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं। तो सीमा के पापा का दोस्त कपिल बाहर रहता है और कहता है, मुझे इसका राज पता चल गया। और कपिल सबको ये राज बताता है। सब सुन के दंग हो जाते हैं, कपिल ने क्या कहा होगा जिस कारण सब लोग हैरान हो गए। ये जानने के लिए देखिए ये कहानी का 4th पार्ट। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।